कोई मेहमान वगैरह या हमारा गैरा का इंतजार हो रहा है पिया जी। नो जोक, और देखो आज तुम जरा सीरियस रहना। मैं तो हमेशा सीरियस ही रहता हूँ पिया जी। बात दरअसल ये है जी, मैं आपको बताना भूल गया कि चांद की 9 तारीख को मेरा सितारा जो है ना जवाल पजीर होता है पिया जी। आज कौन आ रहा है फिर भाई जी? हमारे घर बहुत बड़े पॉप सिंगर आ रहे हैं। सिंगर आ रहे हैं? अच्छा पिया जी, क्या हामिद कैमरा उठा के प्लीज हमारी तस्वीर बना दो। भाई मैं गेस्ट हूँ पिया जी, कोई लेबर नहीं हूँ। ये आपके भाई हैं के कजन है? आप मुझे आई जे के समझे। आइए प्लीज आइए। प्यार का सौदागर है दिल मेरा, दिल मेरा, दिल प्यार का सौदागर है दिल मेरा, दिल मेरा, दिल प्यार का सौदागर है। मोती न समझ ले कंकर को, इस बात का मुझको डर है, इस बात का मुझको डर है। दिल मेरा, दिल मेरा, दिल प्यार का सौदागर है दिल मेरा, दिल मेरा, दिल प्यार का सौदागर है। जहाँ कहीं मैं देखूं गहरी सोच में डूबे चेहरे, जहाँ कहीं मैं देखूं गहरी सोच में डूबे चेहरे, वहीं सजा दूं उन चेहरों पर मैं खुशबुओं के ठहरे। दुखी दिलों को खुश कर देना, दुखी दिलों को खुश कर देना, ये भी एक हुनर है, ये भी एक हुनर है। दिल मेरा, दिल मेरा, दिल प्यार का सौदागर है दिल मेरा, दिल मेरा, दिल प्यार का सौदागर है। हे 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 हो जी। काल कोई नहीं है, टेलीफोन वगैरह। फिर मुझे यहाँ क्यों उठा लाए? हमारी भी कोई अपनी जाती काल हो सकती है पिया जी, हमद पिया की काल। देखो हमें, मैंने तुम्हें सीरियस रहने को कहा। मैं बिल्कुल सीरियस हूँ पिया जी, उसके बाजू तुम्हें देख के मैं बिल्कुल जल रहा हूँ पिया जी, ऐसे कोयला बन गया हूँ, कोयला भाई ने राख पिया। यू नो आई डोंट नो, इंटरनेशनल फेम का सिंगर है। ये तो मेरी खुशकिस्मती है कि मेरी फरमाइश पर उसने फंक्शन अटेंड कर लिया। ठीक है भैया जी, अब चलो चलो चलो। इसका मकसद ये हुआ भैया कि अब तुम्हें भी सुर की मार देनी पड़ेगी, यानी नीरसा गागा नी पामा गा रेसा। दिल मेरा, दिल प्यार का सौदागर है। अपने
लबों पर मोल तोल दी, कोई बात कहे ना। क्यों मजाक करकरा कर रहा है? क्या हुआ तुझे? अब्बा वक्त आ गया है खराब होने का। नहीं अब्बा, मैं आपको बताऊं अब्बा कि अब वो वक्त आ गया है कि मेरा हाथ होगा और जमाने का गिरेबान होगा। मैं तेरा बाप हूँ, जमाना बाहर है। अब्बा अब्बा मेरी बात सुन, ठहर जाए एक सेकंड, मैं तुझे बताता हूँ। तो सही अच्छी भली गजल बंद कर दी। अब्बा देख, 5 मिनट दे दे, फिर मैं तुझे बताऊंगा। कैच नहीं ना वो मेरा पर्दे का कोना और तेरे मुंह को लकवा हो जाएगा। वो गाना बड़ी रियाजत मांगता है बेटा, छोड़ दे इसका पीछा। अब्बा मैं पैदाइशी तौर पे अंधा हूँ। अब्बा एक वक्त आएगा तू फखर से कहेगा कि ये गीतों का शहजादा हामिद पिया मेरा बेटा है, पिया माय सन। गाना कोई नहीं बना जिसके साथ आदमी को चूरन भी खाना पड़े। बस उस्ताद जी इधर आओ बेटा, बस बेटा बुरा नहीं मनाना, गले में कोई मुर्गी को फंदा फंस गया है, पहले इसको जरा इसका यानी प्लेटफॉर्म इसका बनाना पड़ेगा इसका गाने का। संगीत बहुत जरूरी चीज है। देखें ये बड़ा मुश्किल काम है, आप सरगम छोड़ दें। आप देखें अब तो कंप्यूटर एज है, मुझे गीत सिखा दें। आजकल आपको पता नहीं है कि डॉक्टरों ने क्या किया है, इंजेक्शन के साथ सिरिंज के साथ एक चूहे का दिमाग निकाल के दूसरे चूहे में डाल दी है उसकी याददाश्त। ये तो रियाज से ही होगा, धीमे धीमे आप इसको जरा करेंगे तो फिर ही होगा ये काम, रियाजत से है ये काम। हामिद बेटे चलो खाना खा, चल शाबाश। अम्मा पहले गाना फिर खाना। हाय हाय पागल तो नहीं हो गया तू? हाँ माँ फनकार पागल होता है, पहले गाना फिर खाना, खाली पेट गाते हैं बाद में खाते हैं। गीतों में सब ये बोल रहे भूले जी, सदके जाऊँ मैं, लुटिया डूब गई। अब्बा को भारी चीज दबो। तुझे दबो दू? और तेरे खिलाफ लोग थाने में दरखास्त लेके जा रहे हैं। महल्ले में किसी बच्चे ने पढ़ना होता है, कोई बीमार होता है, तू सुबह से लेकर शाम तक इस मंडली के साथ लगा रहता है। मेरी बात सुन ले अब्बा, अब जो मेरे मुस्तकबिल के सामने आएगा पाश पाश हो जाएगा। मैं उन हाथों में जा चुका हूँ कि या आप है नहीं या गाहक है नहीं। बेटा गाहक तो रहेगा, तू ही है नहीं, बड़े जूते पड़ेंगे तुझे। देख अब्बा मेरी बात सुन, मेरी इज्जत कर, घर में तो इज्जत कर, चैरिटी बिगेंस एट होम। बिल्कुल हामिद की माँ, ये बच्चा गया हाथ से, एक तो बहु खूबसूरत, ऊपर से सोई उठी, फन इतना सस्ता हो गया है। और फन को हैजे की तरह मत फैलाओ, समझे कि नहीं? और चाचा जी शख्स की कदर करो, ये अगर किसी और घर में पैदा हुआ होता ना तो वो लोग तो इसे
कभी का मार चुके होते बेटा, ये तो हमारी हिम्मत है कि हम इसे बर्दाश्त करें। देख कैसे खड़ा, देख तो सही इसका खड़ा होना देख। वो इसको रेड़ी पे डाल के गुमटी बाजार ले जाके धूप में खड़ा करके ना गा रहे होते कि दे जा सखिया राहे खुदा तेरा अल्लाह ही बूटा, तेरा अल्लाह ही बूटा ना आएगा। अबे इस तरह बूटा पुटा जाएगा। अब्बा भैया ईमान से अगर इसको डुइट बना लेना, 35 रुपए रोज के हम कारीगर हो सकते हैं दोनों बाप बेटा। पेंशन भी लेता रही हो, ये अपने हाथ का काम है। कहा जरा अब्बा, ऐसी बात निकलती है ना जी, बात कहती है तुम मुझे मुंह से निकालो, मैं तुम्हें शहर से निकाल दूंगी। हाँ ये बात तो है। वैसे बात क्या है? बात तो भैया ये कुछ भी नहीं है, बस यूं समझ ले कि बात करनी मुझे मुश्किल कभी ऐसी तो पिया जी ना थी बात करनी। भाई ये दफ्तर है पिया जी, आप समझते हैं, आप देखे ना कि रेडियो पे जरा सी आजकल पार्टी बाजी है और मैं रेडियो पे गाना चाहता हूँ पिया जी। हाँ तो शौक से गाओ, वहां जाओ ऑडिशन दो और काम करो। पिया जी इम्तिहानों में पर्चे बदल लेते हैं लोग, नकारखानों में तूती की आवाज कौन सुनेगा पिया जी? आप जरा उनको लिख दे के हामल आजा रुका हामद पिया को मैं रवाना कर रहा हूँ, एक पर्ची दे दे, मेरा प्रोग्राम नशर करे। अगर मेरे रुके से तुम्हारा काम बन सकता है तो मुझे कोई इतराज नहीं। पिया जी आपको आइडिया नहीं है कि आपकी पर्ची में कितनी ताकत है। ईमान से पिया जी आपकी पर्ची देख ना, बड़े बड़े ऑफिसर जो होते हैं ना उनके ऐसे करके ना आंखें ऐसे ऐसे होती हैं, मान से बड़ी ताकत है आपकी पर्ची में। फिक्र ना करो बरकुलदार, मैं बड़ा जोरदार रुका लिख के दूंगा। पिया जी इधर पर्ची इधर टेलीफोन, ऊपर से हम कोई दो नंबर काम तो करते नहीं पिया जी, अपना अल्लाह का फजल है, कोई नक्सी नहीं है काम में। फिर इलेक्शन में हमने आपको पर्ची दी हुई है पिया जी, जीनो जी है ना जी पिया जी। मेहरबानी जनाब, इसके बावजूद भी अगर कोई तंगी हो जी तो मुझे टेलीफोन कर देना। नहीं पिया जी मैं डायरेक्ट आऊंगा आपके पास, मुझे क्या जरूरत है टेलीफोन की। आपको आइडिया नहीं है कि इस पर्ची से अफसरशाही कितनी खौफजदा है। बिल्कुल खुदा हाफिज। वो मैं याद कर लूंगा जो आपने कहा, नील करा या नील का मेरे तन मन नीलो नील, मैं सौदे कीते दिला दे। ठीक है पिया जी, ये पर्ची के पीछे आप सब बातें लिख दे, फिर आप जाने और मेंबर साहब जाने, मेरे पे कोई बात नहीं आनी चाहिए और मेरे घर पे कोई ना आए, मैं तो घर पे होते ही नहीं वैसे भी। हामिद साहब आप खाम खान नाराज, आप तशरीफ तो रखिए प्लीज, आप ये चाय कमाल की बात करते हैं पिया जी, इसलिए तो इस मुल्क में फनकार जो है वो नापैद है। शेख साहब मेरा ख्याल है आप इन्हें रिकॉर्ड कर लें, मेरे पास हल्की फुल्की मौसीकी के 5-6 आइटम तैयार पड़े हैं शेख साहब, अगर आप ऑर्डर लगाए तो मैं रेडी हूँ बिल्कुल, मुझे चेक की कोई परवाह नहीं, चेक भी आप रखे जाए। क्या मतलब भाई? मेरा मकसद है मैं आपको बाल बचरदार समझ के आपकी हेल्प कर रहा हूँ पिया जी, मुझे पैसा नहीं चाहिए पिया जी, आप गुस्से खा रहे हैं और फनकार पे तो वैसे ही गुजार आम होता है। सर आप इनका प्रोग्राम किसी दूसरे प्रोड्यूसर को एलोकेट कर दें, वो रिकॉर्ड कर लेगा। आपके शेख साहब कितने बच्चे हैं? ना इस बात का बच्चों से क्या ताल्लुक भाई? पिया जी पर्ची का और बच्चों का बड़ा ताल्लुक होता है, अगर ये पर्ची यहाँ से नामराद लौटी तो कल फिर इस स्टेशन में भी पिया जी आपके दाखले का पास बड़ा मुश्किल बन जाएगा। का सजन चला आया ले पिया जी आंगन में, आवो जी आहा वो झूला जो
सजन चला आया दे पिया जी हाँ गल में पाता पिया चला आया दे पिया जी हाँ गल में बैगे जी शेख साहब पिया जी ये चलना किस दिन है प्रोग्राम भाई कल एडिट करूंगा परसों पिया जी मेरा मकसद ये है कि आप जरा इसकी अनाउंसमेंट जो है ना बड़ी प्रॉपर करा दें कि गीतों का शहजादा हामिद पिया एक गीत पेश कर रहे हैं आपकी परजाई सुनेंगी ना पिया जी रह जाएगी अच्छा अच्छा भाई मैं कह जी शेख साहब पिया जी आप कभी किसी वक्त कोई तरक्की का पार्ट हो तो मुझे बताएं एक सेकंड में आपको पर्ची ला के दूंगा यार अभी मुझे बहुत से काम करने हैं हम भी बड़े मसरूफ हैं पिया जी हमने बड़े दोस्तों की तब्दीलियां रुका दी हैं पिया जी आपकी कभी ट्रांसफर हो जाए ना पिया जी खादम को याद रखें खादम पिया पर्ची एक सेकंड में अच्छा 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 हेलो हामिद कितने दिनों बाद मैं हातम ताई के साथ सवालों का जवाब लेने गया था पिया जी हातम ताई हाँ ताई अम्मा वाला हातम नहीं ये वो हातम है जो पुराने टाइमों में गुजरा है हालांकि अब तुम्हें मुझे हंसाना चाहिए था और तुम सीरियस हो रहे हो इसे पढ़ो यू नो आई डोंट नो क्या कोई बॉन्ड निकला है तुम्हारा मेरा बॉन्ड नहीं निकला पिया जी ये आपका बॉन्ड निकला है मेरा? हाँ मैं बॉन्ड हूँ तुम्हारा और मैं रेडियो पे निकल आया हूँ इसे पढ़ो अखबार तो झूठ नहीं बोलता ना ये देखो Oh no! Oh yes! हामिद कल तुम हमारे जो प्रोग्राम देखने आओगे मैं तो तुम्हारे फ्रेंड्स को इनवाइट करूंगी वही इस्तकबाल होगा पिया जी वही फूलों की पत्तियां वही तस्वीरें ठका ठका हाँ हाँ बिल्कुल वैसे ही होगा Oh, I'm proud of you. हामिद को सब कुछ कैसे हो गया इसे तो कहते हैं कि ये पल भर में क्या से क्या हो गया पिया अमित अमित देखो ये कौन है हमारे घर गीतों का शहजादा हामिद पिया घर रहा है अब हमारा हल्की फुल्की मौसीकी का प्रोग्राम शुरू होता है हमारे आज के फनकार हैं हामिद पिया हामिद पिया जिन्हें गीतों का शहजादा कहा जाता है समाज फरमाइए हामिद पिया सजन चला आया दे पिया जी आंगन में पाका सजन चला आया दे पिया जी आंगन में जी जी पिया जी सर आंगन में पिया जी मैं अभी रुकवा देता हूँ सर बिल्कुल थैंक यू वेरी मच सर हेलो हेलो कंट्रोल रूम देखो ये हामिद का बकवास गाना फौरन बंद करो सामिन हमें अफसोस है कि फनी खराबी की वजह से आप ये नगमा पूरा न सुन सके साजीना समाप्त फरमाइए सर आपने मुझे क्यों मुअत्तल कर दिया नौकरी से ये हामिद का कूड़ा तुमने रिकॉर्ड किया था सर आपको तो पता है कि वो ऊपर से सिफारिश की पर्ची लाया था अब ऊपर से पर्चा आया है तुम्हें मुअत्तल करने का बट आई एम सॉरी एनीवे मैं तुम्हारी मुलाजमत बचाने की पूरी कोशिश करूंगा रिया जी ये मेंबर साहब ने पर्ची दिया कि मेरा प्रोग्राम नशर करे मेरे पास इससे बड़ा पर्चा है तुम्हारा प्रोग्राम बंद करने का समझे और सुनो अपने मेंबर साहब से कहना कि इन पर्ची से क्लर्क तो पैदा हो सकते हैं फनकार नहीं अब आप तशरीफ ले जाएं मगर पिया जी पर्ची पर्ची पर्चा आउट आई से गेट आउट
का सजन चला आया दे पिया जी आंगन में, पाका सजन चला आया दे पिया जी आंगन में।